स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एजुकेशन हब में। आज मैं बात करने वाला हूँ इतिहास के संदर्भ में। इतिहास में एक टॉपिक है जिसका नाम है पूरा पाषाण काल या पाषाण काल कहते हैं आप लोग, ठीक है। उनमें आप लोगों को आज मैं इसी पाषाण काल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इसके लिए कई चीजें हैं जो कि आपको जानना परम आवश्यक है। उसके पहले मतलब इतिहास को पढ़ने से पहले जो चीजें आपको जानना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि जब हम किसी चीज को बाकायदे जान लेते हैं कि अगर हमें पढ़ना क्या है और इसमें कितना पढ़ना है, तो हम उस चीज को थोड़ा पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से समझ पाते हैं, ठीक है। हमारी जो समझ है ना उसके अपेक्षा ज्यादा अच्छी निखरती है। तो आज जो टॉपिक है आपका वो है इतिहास का, जो कि मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है। अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे तो, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आप लोग देख सकते हो इतिहास संदर्भ में, जो मैंने उसे चार भाग में डिवाइड करके आप लोगों को बता चुका हूं कि आखिरकार इतिहास कितना बड़ा है, हमें कहां से शुरू करना है और कहां तक ले जाना है, ठीक है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के लिए इतिहास का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहला टॉपिक प्राचीन इतिहास से उठाने वाले हैं, जिसका नाम है पाषाण काल, ठीक है। लेकिन उसके पहले थोड़ी चीज जान लीजिए पाषाण काल भी कहां है, कैसे है, उसके संदर्भ में थोड़ा, ठीक है। देखिए जो हमारा इतिहास है, अगर भी हम इसे भी मूलतः कुछ भागों में बांटे या तीन भागों में दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे पहला होता है प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसे कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। उसके बाद में देखने को मिलता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद हमारा ऐतिहासिक काल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऐतिहासिक काल हमारा दिखाई देता है, इसे कहते हैं प्राक आद्य और ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब देखिए अब इन तीनों में आपको थोड़ा अंतर समझना है। जैसे अब इन्हें हम किस रूप में बांटे हैं पर ये जान लीजिए। देखो जो हमारा प्राक ऐतिहासिक काल है यह इस संदर्भ में है कि पहले से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ना लिखी गई हैं और ना ही पढ़ी गई हैं, मतलब कुछ लिखा ही नहीं गया तो कहे होगा। अब देखिए इसके बारे में पहले समझ लीजिए, यह उस समय है दुनिया का जो सबसे पिछला इतिहास है, सब जब मानव जाति शुरुआत मात्र हो रही थी, जब कोई चीज शुरू ही हो रही थी। जैसे कोई बच्चा है ना वो पैदा हुआ है तो वह क्या जानेगा, ना उसे चलने का शौर है, ना खाने का है, ना उठने का है, ना बैठने का है, ना बोलने का, ना चलने का, कोई मतलब नहीं है। जस्ट मानो प्राक ऐतिहासिक काल में इसी प्रकार था, और जब इसी प्रकार था तो उसी का नाम हमने क्या रख दिया है, प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो जब वो सही से खाना नहीं खा सकता, बोल नहीं सकता, रह नहीं सकता, क्या करना है, हम किस लिए पैदा हुए हैं, हमारी उत्पत्ति आज क्या है, कुछ नहीं मालूम। इसीलिए इसका जो मानव था वो असभ्य था, पूर्णतः असभ्य था, ठीक है। तो असभ्य है तो लिखने तो बात ही छोड़ दो। खैर जो हम इसे बांटते हैं तो हम उसे इसी लेवल पर बनाते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई नहीं लिखी गई थी और ना ही पढ़ी गई हैं, इसलिए इसे हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें हमारा क्या आता है, इसी में हमारा आता है पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल मतलब कि स्टोन एज, स्टोन एज मतलब पत्थर का युग समझ सकते हो। आद्य ऐतिहासिक काल में होता क्या था कि इसमें इसकी अपेक्षा जो मानव है थोड़े बहुत डेवलप होते गए, ठीक है। इसमें ही अभी आपको बताएंगे तोड़ के कि कहां से कैसे कैसे इंसान शुरू हुआ, सारी बस्ती बसी, कृषि करना सीख गए, भोजन बनाना सीख गए, ठीक है, काफी डेवलप होते गए। पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, कई चीजें हुई। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल जो है ना इसमें हम लोग लिखना सीख गए थे, लेकिन इसकी जो लिखावट है वो आज तक किसी ने पढ़ नहीं लिया है, इसीलिए इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब आप सोचो कि ऐसा क्या है जो लिखा गया लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। उसके संदर्भ में आता है हमारा सिंधु काल, मतलब कि हड़प्पा काल, ठीक है, सिंधु सभ्यता, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है इतिहास का ऐतिहासिक काल। अब यहां से शुरू होता है हमारा इतिहास, मतलब इतिहास, ठीक है, ऐतिहासिक काल से कहते हैं, इसलिए मैं ऐतिहासिक लिखा है, बाकी इसका है इतिहास। इस इतिहास को हम क्या करते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, मतलब कि तीन लेवल से हम इसे बांटते हैं, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं या यहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आधा ज्यादा नंबर दे जाकर जाते हैं वो छूट जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आज हम क्या बात करने वाले हैं, इसी पाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए जो पाषाण काल है हमें हमारा, इसमें अब देखिए इसमें जो एक एक करके हम डेवलप करेंगे इसके, आपके टॉपिक को एक एक करके बढ़ाते चलेंगे और आप समझते चले गया। इसके लिए क्या है कि जो हमारा पाषाण काल है यह नाम से ही प्रदर्शित है, इसमें पत्थर का युग रहा होगा। तो यही स्थिति है जब मानव शुरुआत व बिल्कुल शुरुआत से। अब आप लोग सोच सकते हो इतिहास ना पुराना है कि इस पाषाण काल को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है,
ठीक है, इसमें तीन भागों में। अब पाषाण काल को हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं तो उसमें से आपको देखने को मिलता है कि पूरा पाषाण काल, उसके बाद देखने को मिलता है मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण, उसके बाद आता है हमारा नवपाषाण काल। अब एक चीज ये है कि पूरा पाषाण काल के भी तीन भाग होते हैं, लेकिन खैर अब यहां से ये इंपॉर्टेंट चीज उसकी थोड़ा खत्म हो जाती है, पूछी नहीं जाती है, क्योंकि वो संपूर्ण चीजें जो है मैं आपको इसी टॉपिक में बताता चलता हूं, इसलिए वो चीजें नहीं होती, लेकिन समझ लो बहुत पुराना है। आप लोग सोचो कि हमारी जो लाइफ होती है 60 साल की या 60 से 70 कोई 80 भी जीता है, उस कंडीशन में बहुत लगता है होता है ये फलाने आज के हैं, बहुत लंबे पे हैं, ऐसा कोई कहता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या आप सोचे ये कितना पुराना होगा हमारी ये चीज है इंसानियत। ये जो पूरा पाषाण काल है ये 25 लाख साल पुराना है, ठीक है, और इसकी जो एज है वो 12,000 तक आकर रुकी थी। मतलब जो हमारा पूरा पाषाण काल है इसकी जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक हमारा ये जो है पूरा पाषाण काल स्थित है। आपको ये के मतलब कि हजार का प्रतीक है, ठीक है, और ये लाख का प्रतीक है। अब जो ये है यानी कि मध्य पाषाण काल साहब, ये आए थे हमारे 12,000 के बाद से शुरू होकर लगभग 5,000 साल तक ईसा पूर्व तक ये भी विद्यमान रहे थे, ठीक है। अब ये चीज आपको समझना चाहिए, जो हमारा नवपाषाण काल था ये भी इसी प्रकार से, देखिए जो नवपाषाण काल था ना ये दो कंडीशन में उभर रहा था, जैसे कहीं कहीं पर मध्य पाषाण काल ही विद्यमान था और कहीं कहीं पर यह नवपाषाण काल का रूप ले लिया था, कहीं कहीं चीजें डेवलप हो गई थी। जैसे अगर आप लोग गांव में रहते हो तो गांव आज भी पीछे है, नहीं यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, नहीं यहीं पर काफी लंबे लंबे जो आपकी दूरी से तय करने के लिए अत्यधिक गति वाले से वायुयान की व्यवस्था है, कई चीजें पीछे है, लेकिन वही की तुलना अगर मुंबई से करें, न्यूयॉर्क से करें, दुबई से करें, वो लोग काफी हाईटेक है। तो ये कह सकते हो एक ही समय में दो एरिया के संदर्भ में आपको दिखाई पड़ता है, इस संदर्भ में एक हो गया आपका दुबई और एक हो गया आपका गांव, ठीक है, जबकि दोनों 2022 में ही है लेकिन दोनों में अंतर है। यही चीज यहाँ पर हो रही थी, कहीं कहीं पर लोग विकसित होते गए थे और कहीं कहीं पर लोग बहुत ही कम हो गए थे, ठीक है, मतलब बिल्कुल पिछड़े हुए थे। अब देखिए एक एक चीज करते, अब पहले हम समझते हैं इसके बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में। अब सोचो, पहले आपको सोचना है, इतिहास समझिए, बिल्कुल दोस्त समझ लो कि इतिहास जो होता है समझने के टॉपिक है। अब आप सोचो कोई लड़का जस्ट पैदा हुआ है उसकी शुरुआत हुई, वो क्या करता होगा, उहारे घूमता है, मतलब नंगा घूमता है, कपड़े की से कोई जानकारी नहीं थी, जो कि हम नवपाषाण काल में देखते हैं इसे कपड़ा पहनना की मतलब सहूर हुआ, इसे धीरे धीरे डेवलप किया, खाल को अपने शरीर में बांधता था, पत्ते ही बांधता था, इस कंडीशन में यहाँ पर इसकी डेवलप होती है। लेकिन देखो पूरा कोई बच्चा पैदा हुआ इसी प्रकार से सोच सकते हो, पहले क्या होगा, वो क्या बच्चे जैसे होता छोटा सा, उसे क्या चाहिए, भोजन, क्या चाहिए, भोजन, बिल्कुल भोजन, उसे दिन भर क्या है कैसे है, मम्मी कौन है, पापा कौन है, भाई बहन मामा बहन, कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसे केवल भोजन से मतलब होता है, यानी मेरा खाना कहाँ है, मुझे खाना नहीं दोगे तो रोने लगेगा, और खाना अगर बनता देख लिया तो अरे भैया मेरा खाना बन रहा है, ठीक है, ऐसा कोई उसके अंदर स्वभाव होता है। तो एक तरफ समझ सकते हो ये हमेशा खाने पर जीवित थे, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, खाना बदोश, ठीक है, ये क्या हो सकते थे, खाना बदोश थे। अब दूसरी चीज क्या हो सकता है, अब देखो खाना बदोश ये थे, लेकिन अब इनके बारे में थोड़ा जान लो, ये पहले पेड़ में रहते थे, ये बहुत क्या थे जान लो कि आलसी प्रवृत्ति थे, जहां थे वहीं थे, कोई मतलब नहीं, ठीक है, धीरे थोड़ा बहुत आसपास रुक कर शिकार करते थे, जो मिल जाता था खा कर रह जाते थे, कोई को तो भूखे मर जाता था, तो खाना बदोश, लड़ाई करते थे, भोजन की बहुत ज्यादा मारपीट होती थी, ठीक है, उसमें कोई मतलब नहीं था, भाई हो, बाप हो, माँ हो, बहन हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, बस तुम्हें खाना है हमें, यहाँ पर लोगों को भी मारकर खा लिया जाता था, एक कंडीशन थी इन लोगों की पूरा पाषाण काल में। उसके बाद क्या होता है कि खाना बदोश है, ठीक है, उसके बाद ये लोग क्या है कि शिकार करना सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें जब भोजन चाहिए तो कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए ना भोजन, तो भोजन के लिए जो जानवर थे उन्हें मारते थे, फिर सभी नोच नोच कर खाते चले जाते थे, मतलब कि शिकार करते थे या अखेड़ करते थे। उसके बाद में होता क्या था कि लोग इतने जानकार जरूर थे कि आज मुझे भूख लगी तो कल भी लगेगा, ठीक है, तो इसलिए जब भूख से तृप्त हो जाता था, इनका पेट भर जाता था, तो उस बचे हुए चीजों को खींच के घिरा के बांध के अपने साथ लाके जहां ये लोग अपने पेड़ के सब में रहते थे उस कंडीशन, या इनके देखो एक कंडीशन कहा है, ये लोग एक ही जगह पर नहीं रहते थे, सही बात ये है, ये लोग जैसे यहाँ पर इन्होंने आज शिकार खेला ना, यहीं पर मारा, यहीं पर सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं,
कल भूख लगी दोबारा यहाँ पर मारेंगे तो यहाँ पर रुक जाएंगे। खाना बदोश, जहाँ भोजन मिला वहीं रुक जाओ, कोई मतलब नहीं इनका, ठीक है। बस इतना ही है इनका सोच था, क्योंकि उस समय इन्हें थोड़ी लगा था भाई लेखपाल की परीक्षा देनी है, आईएएस देनी है, पीसीएस देनी, कोई मतलब नहीं थी, ठीक है। तो शिकार हो गया, खाना बदोश हो गया, मारपीट था, यही इनके जिंदगी के दो बहुत परम हिस्से थे। इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जो भोजन बनता है ना, बचता है, उसे संग्राहक हो जाते हैं ये लोग, संग्रह करते हैं, ठीक है, संग्राहक, ठीक है, ये लोग संग्राहक थे। तो यही कुछ चीजें हैं। और एक चीज, जब ये लोग देखिए इनकी कंडीशन का थी, ये लोग पहले समझ लीजिए कि शिकार कैसे करते थे। इसे इतना बड़ा पत्थर लिए, बहुत बड़ा पत्थर, ठीक है, दो तीन लोग मिलके, ये तो अकेले ही कहीं पर देखिए कि वो जानवर जा रहा है, उसके ऊपर बढ़िया ठेल दिए, ठीक है, लेकर पेड़ में चढ़े हैं, उसके ऊपर से ठेल देते थे, उसके ऊपर फेंक देते थे, वो बंदा मर जाता, वो जो जानवर था मर जाता था। तो हमेशा ये लोग क्या करते थे, कच्चा ही कच्चा खाते थे, ठीक है, हमेशा से मारे खा लेते थे। तो जब वो पत्थर फेंकते थे ना, जब पत्थर फेंकते थे तो कभी कभी होता था क्या कि पत्थर वहीं पर पत्थर मिलेगा जहां पत्थर होगा, तो एक पत्थर होगा दूसरा पत्थर भी मिलता था। यही कंडीशन कभी भी भूख लगती थी तो रात को भी करते थे। जब वो लोग रात को करते थे, देखते थे वहां पर चिंगारी निकल रही है। क्या निकल रही है? चिंगारी। वो लोगों ने समझ लिया कि यार ये कुछ अलग चीजें हैं, तो उन्होंने क्या किया, पत्थर को पत्थर से लड़ाना स्टार्ट किया। जब वो लोग लड़ा रहे थे तो फिर वहां पर क्या होते थे, चिंगारी। बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज नहीं देखनी ना, चाहे वो हानिकारक हो चाहे लाभकारी हो, कोई मतलब नहीं, उसे बार बार करते हैं। तो वो भी करता था, करते करते उन्होंने समझ लिया कि भैया ये कुछ अलग चीजें हैं, एक आध बार हाथ जल गया होगा, कुछ हुआ था ऐसा। तो उसके बाद वो लोग पत्ते उत्ते लाकर झूर झूर रख के उसे जलाते थे। अब वो भैया क्या करिए, उनकी गर्मी लाई उनके अंदर, वो समझिए ये क्या है। फिर उन्होंने क्या किया कि उस जो जानवर था उसे भूनने लगे, ठीक है, धीरे धीरे जो है एक क्रम। इन चीजों को भूनने में समझ सकते हो कि 25 लाख साल से 12,000 तक आए हैं, 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक आए हैं। सोचो इतना लंबा समय लगा है इन लोगों, कितना धीरे धीरे विकास किया होगा इन लोगों ने। तो धीरे धीरे करके इन लोगों का आग ने आग का खोज कर लिए। यही चीज इनकी जो है ना सबसे बड़ी खोज मानी जाती है, पूरा पाषाण काल का सबसे बड़ी खोज ही आग की मानी जाती है। और पहिए की खोज कहां मानी जाती है, नवपाषाण काल में, जो कि व्यापार का एक बहुत अच्छा माध्यम बन चुका था, आग इनके भोजन का काम करता था, ठीक है। देखो यहां पर जो था ना, बड़े बड़े पत्थर को मारते थे। उसके बाद क्या होने लगा, जो मध्य पाषाण काल है इसमें जो आने लगे ना, 12,000 यहाँ तक आ चुके थे ईसा पूर्व तक। अब उसके बाद जो और क्रम था ना, धीरे 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 करके डेवलप हुए, ठीक है। तो जब वो डेवलप हो रहे थे, उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो उनके हथियार थे उसे छोटा करने लगे। उसने क्या किया, एक कोई पत्थर है तो उसे रगड़ने स्टार्ट किए, उसमें धार देने लगे, उस पत्थर से कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें काटने लगे, इनको जो जानवर लाते थे उन्हें काटने लगे, उसके बाद उन्हें सेट करने लगे, कुछ कुछ व्यवस्थित होने लगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा मध्य पाषाण काल हुआ, इसका नाम होता है माइक्रोलिथिक काल, ठीक है, माइक्रोलिथिक काल। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हुए, औजार छोटे हुए थे, इसे कहते हैं चालकोलिथिक काल, क्योंकि यहाँ पर तांबे का खोज हुआ था। क्या हुआ था, तांबा का, तांबा ही इंसान के द्वारा उपयोग में लाई गई सबसे प्रथम धातु थी, ठीक है। तो वो देखिए जो मध्य पाषाण काल था, यही खासकर इसकी विशेषता है कि यहाँ पर औजार जो है ना, यहाँ पर भावड़े प्रवृत्त होते थे, बहुत मोटे मोटे होते थे, उनका कोई धार नहीं था, लेकिन इनके जो औजार है वो धारदार होने लगे, ठीक है, सुडौल होने लगे थे, ये वो धारदार, ठीक है, धारदार होने लगे थे। अब यही चीज जब नवपाषाण काल में आए थे तो उसे भी और डेवलप की, जैसे कोई पत्थर लेते थे, ठीक है, पत्थर के बाद मार देते थे, मारने के बाद पत्थर दोबारा वापस नहीं आता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस बार रस्सी से बांध कर मारना स्टार्ट किया कि मारने के बाद फिर वापस आ जाए, ठीक है। धनुषों का निर्माण हो चुका था काफी अच्छी तरह से, ये लोग करने लगे थे। यहीं पर आकर नवपाषाण काल में ही ये लोग खेती करना भी सीखे थे। क्या करना सीखे थे, खेती करना, जो खेती करना हमारे इतिहास की जो है सबसे बड़ी खोज थी, ये भी मानी जाती है, जो कि नवपाषाण काल की है। तो तांबे का आविष्कार यहीं पर मतलब खोज हुई थी, ठीक है। नवपाषाण काल में खेती करना भी ये लोग सीखे थे, ठीक है, खेती करना। और यहीं से ये लोग क्या किए थे, कुत्ता पालना स्टार्ट हो चुका था। अब बात को समझिए, आखिरकार ये सब कैसे हुआ होगा, जो ये कंडीशन है ये कैसे हुआ होगा, समझिएगा बात को, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसे हमें साफ करना होगा। अब यहां पर देखिएगा, ठीक है, ये है हमारा भारत, ठीक है, क्या है, ये है हमारा भारत, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, मुझे भी ये भी मालूम है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि भारत का जो नक्शा है थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बना पाता, लेकिन जो भारत है समझिए इसके बारे में।
सबसे पहले कुछ जानना चाहिए कि जो हमारा ये इंसानियत है इसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अफ्रीका में। अफ्रीका को ही मनुष्य का पालना माना जाता है, ठीक है, अफ्रीका को ह्यूमन लाइफ का पालना माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल भी असभ्य थे। सबसे सभ्य जाते कहा मिले थे? एशिया में, जो हमारा भारत है, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के आसपास पाए गए थे। ये लोग मानव जो था बिल्कुल सभ्य थे। तो सभ्य मानव की सबसे पहली शुरुआत कहां से देखी जाती है? वो है एशिया से। लेकिन असभ्य जो है, या कह सकते हो कि जो ये अफ्रीका है, वहां पर मानव की शुरुआत ही सबसे पहले हुई थी। तो इसमें क्या है, जो चीज बिल्कुल शुरुआत होगा, आप लोग जब चलना सीखते हो, पहले कई बार गिरते हो, घुटनों पर चलते हो, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब जो नवपाषाण काल थी, इसमें अफ्रीका जो है ना, अफ्रीकन महाद्वीप है, इसके आसपास के क्षेत्रों में इनकी संख्याएं काफी अधिक बढ़ चुकी थी। सोच सकते हो 12-25 लाख साल से शुरुआत हो गई थी जीवन की। इनकी संख्या क्या हुआ, प्रजनन दर बढ़ रही थी और लोगों की संख्या बढ़ रही, फिर प्रजनन, फिर प्रजनन, फिर लोगों की संख्या, इस कंडीशन लोग बहुत ज्यादा हो गए। तो अब आप सोच सकते हो, जब लोग ज्यादा होंगे तो उनमें युद्ध होने की संभावना भी रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ एक चीज हो जाती है, नवपाषाण काल में लोग झुंड बनाकर रहने लगे थे और शिकार झुंड बनाकर करने लगे थे, ठीक है। ये भी पूछता है कभी कभी, झुंड बनाकर रहना कहां से मानव स्टार्ट किया था? तो नवपाषाण काल में एक क्वेश्चन उठाया था, वो था लगभग कहां पूछा गया था, उसका है उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में, कि जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। उसका सर्वप्रथम प्रमाण, मतलब उसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति किस युग से मानी जाती है, वो क्या था? नवपाषाण काल, ठीक है, यहीं से होमो सेपियंस की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए, जो हमारा पूरा विश्व है उसमें आप लोग जानते हो कि पहले बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आज दिखाई पड़ता है। उसकी स्थलाकृतियां थोड़ी थोड़ी अलग थी, जो कि आने वाले समय में आपको गूगल में पढ़ाऊंगा। तो जो ये विश्व, सपोज करो ये पूरा विश्व है, हमारा भारत जो है यहाँ पर है, ठीक है, हमारा भारत जो है वो कहीं यहाँ पर है, यहीं पर कहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ लोग यहाँ रह रहे थे ना, उनमें लड़ाइयां झगड़ा हुई, ठीक है, उनमें से एक सपोज करिए कि उनमें एकमात्र संयोग बना होगा, कुछ लोग इधर आ रहे थे, कहां थे, यहीं आ रहे थे। अब सोचो कि कोई व्यक्ति किसी नए जगह पर जाएगा तो उसे किस चीज का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, कि कहां खाएंगे, कहां रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे अपनी जिंदगी को यापन करेंगे। तो ये लोग क्या थे, लंबे समय से चलकर आ रहे थे, तो रास्ते में कुछ घास फूस मिलता था तो खा लेते थे, क्योंकि भूख लगा ना, हर जगह जरूरी नहीं कि जानवर ही मिलता रहे। वैसे आप लोग जानते हैं, जैसे कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल है, कुछ बड़े बड़े वो है पहाड़ी का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर सिंधु श्रेणी है, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत है इसकी श्रेणी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये लोग कब हुए थे कि दिक्कत में आ गए थे, और ये लोग इधर हमारे भारत की ओर चल दिए थे। तो सबसे पहले क्या थे कि जब ये लोग भूखों से मरने लगे ना, तो भूख कदे मरता क्या ना करता, उस कंडीशन में क्या हुआ कि बहुत तेज से सर और पटके थे, ठीक, बहुत तेज पटके थे। उसके में हुआ क्या कि कहीं कहीं पर जमीन में भी पटकते थे, जब जमीन पटकते थे तो एक ऐसा संयोग ही था, वो लोग जब पटके तो वहां पर क्या थी, बड़ी मोटी घास थी। जब उन्होंने मोटी घास को देखा कि अरे भैया यहाँ तो लगे ही नहीं रहा, कहा है, तो उसे उखाड़े और खा लिए। अब वहां पर दो चीज देखी, अरे भैया जो नीचवा दबा है ना चिजिया, वो और मीठा है और ऊपर केवल पत्तवा है, कहा है ऊपर केवल पत्तवा है, तो ऊपर पत्ता भी है उसे उखाड़ भी लिए और नीचे कहा निकला, मूली गाजर। अब देखो जब गाजर निकला तो लोग क्या दिए कि इसे भी खाना शुरू हो गए, उसके बाद इसे फिर से फेंक दिए, फिर वही जगह से उत्पत्ति होने लगी किसी न किसी चीज की, ठीक है, जो जो खाते थे। तो उन्होंने समझा कि यार ये तो गजब की चीज है। अब जो इनकी कंडीशन थी ना, वो ऐसी हो चुकी थी कि क्यों ना हम यही रहकर इन चीजों को उगाए। तो यही कंडीशन है कि जो पाकिस्तान का जगह है, जिसका मेहरगढ़, आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं लिख लीजिए, एक जगह है मेहरगढ़, ठीक है, लिख देता हूं मेहरगढ़। यहीं से क्या हुई थी, यहीं से सर्वप्रथम खेती की शुरुआत हुई थी। अब आपको जानना चाहिए कि जो मेहरगढ़ एरिया है ना, ये दो पर्वतों के बीच के भाग है, एक का नाम है किरथर, एक का नाम है सुलेमान। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, मंडे एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एक का नाम है किरथर और एक का नाम है सुलेमान। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में ही खेती होना सबसे पहले शुरू हुई थी। अब आपको समझना है दो तीन चीजें कि आप देखो, मानव जो है ना, इसके सर्वप्रथम जो कंकाल है भारत के संदर्भ में, भारत में कहां मिली थी? भारत में जगह है चेन्नई, जिसका नाम होता है चेन्नई, पहले मद्रास था, ठीक है। तो मद्रास में जगह है पल्लवरम, क्या नाम है? पल्लवरम, ठीक है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पल्लवरम। पल्लवरम में सर्वप्रथम मानव की कंकाल मिली थी।
ठीक है, क्या हुआ था, मानव का कंकाल मिला था सबसे पहले यहीं पर। उसके बाद में क्या हुआ था, जैसे मनुष्य है, आप ही लोग सोचो, आज से जब मोबाइल और टीवी का आविष्कार नहीं हुआ होगा तो लोग क्या करते थे, गर्मियों का दिन में काफी लंबा समय होता है गर्मी का, ठीक है, दिन होता है, तो लोग क्या करेंगे, कितना मनो कैसे किया, क्या करेंगे, तो लोग क्या करते थे, बगिया में चले जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, चिल्हारी बुल्हारी एक गांव में है वो भी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, गोली खेलना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, मतलब हम लोग करते हैं ऐसा, ये नहीं करते थे, ठीक है, तो ये सब करके दिन बिताते थे। अब उस समय ये भी नहीं था तो क्या करेंगे, तो ये लोग क्या करते थे, बैठे 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 करके दीवारों में कुछ उखाड़ना, चित्रकारी करना शुरू कर दिया था। इसीलिए जो सर्वप्रथम जो हमारा चित्रकारी करने प्रमाण है ना, वो है मध्य प्रदेश का एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर सर्वप्रथम चित्रकारी करने का प्रमाण मिला था, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो जगह है इसका नाम है भीमबेटका। क्या नाम है, भीमबेटका ऐसी जगह है जहां पर सर्वप्रथम चित्रकारी करने का वो मिला था। कुछ खास नहीं बनाया था उन लोगों ने, बस ऐसे ही कोई चीज बनाते थे और उसके बाद उसकी सरिया बनाते थे, एक दो तीन चार पैर लगा दिया, पूंछ लगा दिया और एक दो सींग लगा दिए, यही चित्रकारी था। उसके बाद में बिल्कुल शून्य से, ठीक है, जैसे होता है ना एक बिल्कुल शुरुआती वाला लड़का बनाता है जिन चीजों को, ऐसे ही उसके हाथों में एक भाला दे देते थे और शिकार को प्रदर्शित कर देते थे, ठीक है, यही तरह के चित्र वहां पर क्या हुए थे, पाए गए थे। भीमबेटका जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, रायसेन नामक के जिला के आसपास है, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे भी स्थित है। अब आप लोग सोचो कि एक चीज और था, उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं पाए गए थे, बिहार में भी पाए गए थे, ठीक है, उसके बाद क्या था कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी पाए गए थे। अब देखो जैसे जम्मू कश्मीर है, समझ लो तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडी रहती है। अब कोई चीज ठंडी है ना तो हवा बह रहती है तो और ठंडी लगती है, तो वहां पर लोग जो है गड्ढे खोद देते थे, उसके अंदर रहते थे, ठीक, अपने कुत्तों के साथ में। और एक चीज आप जान लीजिए, जब कोई जगह में अगर आप खेती करते हो, क्या करते हो, खेती करते हो, तो खेती करने के लिए क्या होगा, आपको अस्थाई रहना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम अस्थाई रहने वाला निवास कहाँ है, यह भी मेहरगढ़ में पाया गया था। अब कोई बंदा अगर अस्थाई रूप से रह रहा है तो उसे जो ये खेत बाड़ी कर रहा है ना, अदर जानवर बचाने के लिए कोई ना कोई जानवर की सहायता लेनी पड़ती थी। तो जो जानवर सबसे ज्यादा उपयोगी मिला इंसान को, वो था कुत्ता, क्योंकि कुत्ता इंसानों को चापलूसी ज्यादा करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कुत्ता इनके साथ रहने लगा। और इसीलिए सर्वप्रथम जो जीव था जिसका पालना शुरू करते थे, पाले थे इंसान लोग, वो कुत्ता ही था। वो क्या करता था कि खेतों में कोई जानवर पड़ते थे उसे जाके भगा देता था, ठीक है, तो ये चीज आप लोग जान लो। अब जब ठंडी पड़ रही है कहीं जगह पर तो लोग क्या करेंगे, मतलब नीचे जाकर, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं था, कुछ भी खास नहीं था, तो वहां पर क्या किए कि एक सभी लोग गर्द बनाकर रहने लगे थे। ऊपर से हवा जा रही है नीचे से, और कुत्ते की जो प्रवृत्ति थोड़ी गर्म होती है, उसके पास बाल होता है, घने बाल होते थे, ठीक है, उसे लोग, एक आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी होगी झबरा के ऊपर लिखी थी, पूस की रात, कभी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, ठीक है, उसमें भी कुत्ते के साथ सोने के मालिक के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जगह था, यहाँ पर गड्ढे में रहने लगे थे, जब लोग मर जाते थे तो वहीं, देखिए जब पूरी फैमिली साथ रहती है ना तो थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, जब लोग मर जाते थे तो उसे अपशगुन मान लिया जाता था, अपशगुन माना गया है तो उस जगह को छोड़ दिया जाता था और उसमें इन दोनों को सुला दिया जाता था, कुत्ता जो हमेशा साथ रहता था उसे भी दफना दिया जाता था। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ही हम देखते हैं हमें गर्तावास के गर्तावास के प्रमाण देखने को मिलते हैं, ठीक है। बिहार में भी मानव का जो है ना वो देखने को मिलता है। बिहार का जो जगह है उसका नाम है चिरांद, ठीक है, बिहार के चिरांद में भी पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी सर्वप्रथम क्या हुए थे, कई उत्तर प्रदेश में इस पुरापाषाण काल के जो लोग हैं इनकी भी यहाँ पर पाई गई थी। अब जो उत्तर प्रदेश की जगह है इसका नाम है कोलडीहवा। क्या है, कोलडीहवा, ठीक है। कोलडीहवा से चावल के प्रमाण मिले हैं। क्या है, चावल के प्रमाण, मतलब कि धान भी यहीं से होता होगा। पहले लोग करते क्या थे कि वो उस कंडीशन में लोग अंजूरी से ले लेकर जाते थे। अब साथ में कुछ तो है नहीं, इसलिए वो लोग कुछ ना कुछ तो चीज चाहिए, तो अंजूरी से ले लेकर जाते थे। अब उन्होंने देखा कि यार अंजूरी से कब तक लेकर जाएंगे, होता है ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो अंजूरी से ले जाकर जब थक गए वो लोग ले जाकर तो उस कंडीशन में थोड़ी सी मिट्टी जो है उन्होंने एक थाली नुमा कुछ ना कुछ बनाया था, ठीक है, थाली नुमा बनाया तो उससे लेकर जाते थे। उसमें उन्होंने देखा कि भैया इसे जब पूरा लेकर जाते हैं तो उसमें हमारी चीज ज्यादा चीज आती है, इसलिए उनकी इंटरेस्ट जो है थाली में बढ़ गई।
अब थाली से जब वो अपने धान चावल को पूरा भरते होंगे, जब भरते थे सर्वप्रथम जो खेती का प्रमाण मिलता है इसे आप लोग जान लीजिए कि गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ इन दोनों चीजें खेती का सबसे ज्यादा प्रमाण मिलता है सर्वप्रथम, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो थाली है जो किसी चीज को भरेंगे हम, वो जब ज्यादा भर जाता है तो किनारे किनारे से गिरने लगता है, ठीक है। इन लोगों ने समझ लिया लंबे प्रयोग के बाद से कि किनारे किनारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा उठा दें तो मजा अलग हो जाएगा, क्या होगा, मजा अलग हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें थोड़ा थोड़ा उठाए तो फिर भरे पूरा, जब पूरा फिर भर गया तो फिर गिरेगा, तो उन्होंने क्या किया इसे और ऊपर कर दिया, उन्होंने फिर भरा और फिर गिरने लगा तो इसे और ऊपर किया। उस कंडीशन में उन्होंने देखा कि इससे हम जितना ऊपर कर रहे हैं हमारा लाभ होता जा रहा है, हमारी एक चीज का निर्माण किसी न किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया ढक्कन लगाने का प्रयास किया, ढक्कन से उसके क्या किया इसे मोड़ दिया डायरेक्ट। उस कंडीशन में क्या हुआ इसके ऊपर थोड़ी सी चित्रकारी करना शुरू कर दिया तो इसमें क्या हुआ मनका मिलने लगा, क्या मिला मनके का प्रमाण मिलने लगा। ध्यान दीजिए जो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है इसमें हमको भी बताएंगे, इसमें भी कई न कई चीजों को मनके का प्रयोग होता था, ठीक है, लेकिन उसकी शुरुआत कहने कहीं ना कहीं यहीं से हो गई थी। तो हमारा मनका मिलने लगा, घड़ा मिलने लगा, सुराही मिलने लगी थी, इस कई चीजें मिलने लगी थी और इसी में चीजें रख दिया करती थी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कई इतने लंबे बरस के चीजों को भी आज म्यूजियम में कहीं ना कहीं रखा गया है, ठीक, जो जो चीजें पुरातात्विक प्रमाण मिलती है खुदाई करने के बाद से और शेष उनके उन्हें रख लिया जाता। तो यही कुछ कंडीशन थी आपके पाषाण काल की, ठीक है, कि लोगों ने हमने यहाँ पर सीखा कि लोगों ने कैसे चलना सीखा था, ठीक है, पहले एकदम झुके हुए थे फिर धीरे 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 करके टाइट होने लगे और उस कंडीशन में आया कि आज का जो इंसान होमो सेपियंस वो यहां से शुरू होकर और यहाँ पर आकर होमो सेपियंस बना था। उस कंडीशन हमने एक चीज ये जान लिया मानव सर्वप्रथम अफ्रीका में आया था, पैदा हुआ था, आप लोग ये भी जान लीजिए क्योंकि मानव जाति का पालना जो है अफ्रीका को माना जाता था, अफ्रीका को माना, लेकिन जो अगर बात कभी की जाती है सभ्य मानव का पालना वो है एशिया में पाया जाता था, ठीक है, एशिया में। एशिया में ही एक जगह है मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है और सुलेमान और किस्तर पहाड़ियों के बीच में है, वहां सर्वप्रथम गेहूं और जौ दोनों चीज के प्रमाण मिलते हैं कि वहां पर खेती की गई थी। जब लोग खेती करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि एक ही जगह बस्ती बनाकर रहना स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर हम कहीं पर बाहर चले जाएंगे ना तो कुछ समय बाद तो खेतियां तो बतिया छोड़ दीजिए, जो खेतों का था ना एरिया जगह था वो भी गायब हो जाएगा। और गांव में सबसे ज्यादा लड़ाई इसी कारण होती है कि भैया तुम्हारा खेतों का वहां तक था तो यहाँ कहा जो दोनों दुआ के ऐसा ऐसा मतलब लड़ाई करने का एक चांस मिलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर खेती भी करना स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो भारत है, भारत में पल्लव रहना है चेन्नई के पास में, वहां पर सर्वप्रथम मानव कंकाल मिले थे। उसके बाद भीमबेटका है चित्रकारी के प्रमाण मिलता है, फिर चिरांद है बिहार में, वहां पर भी हमें पुरातात्विक चीजें मिलती है। उसके बाद कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है तो कोलडिहवा में चावल के प्रमाण मिलते थे, धान मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा मिलता है जम्मू कश्मीर में गर्तावास, जहां पर गर्तावास के मिले थे। तो आपको यही चीज जानना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा लाइफ किस मनुष्य ने सबसे ज्यादा कहां बिताया था, वो था पूरा पाषाण काल में, ठीक है, पूरा पाषाण दे सकते हो ना 25 लाख से 12 हजार तक, ठीक है। ईसापुर, ईसापुर बारे थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ईसापुर का रीजन क्या है। जैसे देखिए जैसे होता क्या है कि ईसापुर बारे में आप लोग जान लीजिए, कोई लोग कहते होंगे कि ये 25 लाख से शुरू होकर तो 26-27 तक जाना चाहिए, कह रहे नीचे आ रहे हो, तो नीचे कारण है। जैसे ईसाई लोग हैं ना जो पीछे गए, जो पश्चिमी सभ्यता है, ठीक है, जैसे यूरोपीय कंट्री, ठीक है, अमेरिका के, तो इस कंडीशन के लोग थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने क्या किया था, अपने ही जो देखिए कैलेंडर का निर्माण बहुत ग्रिगोरियन कैलेंडर बहुत ज्यादा पुराना है, उसी कंडीशन से बनना स्टार्ट हो गया था। तो जो हमारे ईसा मसीह साहब थे उनकी मृत्यु जो है उन्होंने इसे शून्य मान लिया, इसके जितने बाद का समय है उसे ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है, और जो इसके बाद का समय है मतलब इसके बाद जो शुरू है ना, इसके पहले वाला ईसा पूर्व, इसके बाद वाला क्या होगा इस भी मान लिए। जैसे 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022 चल रहा है तो 2022 यहां से होगा कहीं ना कहीं 2001 भी रहा होगा, तो ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। लेकिन ये लोग का कहना है जैसे यहाँ पर 25 लाख थे तो ईसा के जन्म के करीब आ रहे हैं ना धीरे धीरे, उसके बाद क्या थे यहाँ पर 12 हजार तक पहुंचे, फिर धीरे धीरे करके ये लोग यहां तक पहुंच गए। इसीलिए हम दिखाते हैं इसे आपको, अब एक चीज क्लियर हो जाएगी कि ईसा पूर्व और ईसवी मतलब जैसे कहते हैं बीसी और एडी, ठीक है, दोनों में यही अंतर है, ईसवी को एडी कहते हैं, ईसा पूर्व को बीसी कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये जान लेते हो कि यहाँ पर इन चीजों का निर्माण हो चुका था। यहाँ का जो लोग थे वो खाना बदोश थे, मतलब पूरा पाषाण काल के लोग खाना बदोश थे, पेड़ों में रहते थे, बहुत आलसी होते थे,
शिकार करते थे, संग्राहक थे, आग की खोज की उन्होंने, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल होता था, यहाँ के जो औजार थे वो काफी भौड़े प्रभेद के थे, मोटे मोटे बेडौल थे, मतलब कोई मतलब के नहीं थे, बस ऐसे ही कोई जानवर को मारा उसकी हड्डी मिल गई, बन गया, ठीक है। लेकिन जो ये लोग थे मध्य पाषाण वाले, इन्होंने क्या किया, उसे नुकीला बनाना स्टार्ट किया, उसे धार दिया, ठीक है। इस कंडीशन में जब किए तो उस कंडीशन की जगह को हमने मध्य पाषाण काल का नाम दे दिया। इसी प्रकार जब ये और डेवलप होते गए, इन्होंने चक्के का आविष्कार कर लिया था, ठीक है, और कई चीजें निर्माण किए थे, बैलगाड़ी के भी अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो इन जब चीजें बनने लगी तो लोग एक गांव के रूप में रहने लगे थे, कई समूहों में रहने लगे थे, लोग आपस में एक दूसरे को जाने लगे थे, भाषा का यहाँ पर धीरे धीरे करके भाषा की शुरुआत होने लगी थी, ठीक है। एक भाषा होता है ना, जैसे आदान प्रदान संप्रेषण की जो होती है प्रयास, यही भाषा, तो यहाँ से भी इस चीजों की शुरुआत होने लगी थी, एक दूसरे से बोलने लगे थे, अपने बात को कह सकते थे, समझ सकते थे, इन चीजों को देखा जाता है। इन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया, एक जगह से सुव्यवस्थित रूप से रहना स्टार्ट कर दिया था, और इनके यहाँ ना ही कुछ लिखा गया था और ना ही कुछ पढ़ा गया था, ठीक है। ये कुछ लिखे ही नहीं तो कहां से पढ़ने जाएगा। अब यही चीज में देखने मिलता है कि जो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता है, इन्हीं लोगों का कुछ डेवलप रूप है। इन जैसे कि पूरा पाषाण काल वाले बहुत गंदे थे, नवपाषाण काल वाले होमो सेपियंस के रूप में आ गए, जो कि वर्तमान का हम सबका रूप है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्हीं लोगों का जो एक नेक्स्ट वर्जन, जैसे कहते हैं ना कि आईफोन होता है, फिर आईफोन प्रो होता है, आईफोन प्रो मैक्स हो जाता है, ठीक है, फिर अल्ट्रा होता है, ऐसे चीजें। तो ये लोग कहाँ है, अल्ट्रा है, प्रो है, मैक्स है, जो भी कहना कर लो। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी शिक्षा का आविष्कार होता है, ये लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, पता नहीं इसे कहाँ लिखी, हाथी घोड़े से बना दी है, आज तक पढ़ने भी नहीं आया। तो जो चीजें पढ़ी नहीं जाती गई है, जो चीजें पढ़ी नहीं गई है, उन्हें कहते हैं आद्य इतिहास काल के अंतर्गत रखा गया है। जो चीज नहीं लिखी गई, नहीं पढ़ी गई, वो प्रागैतिहासिक काल में, और जो लिखी गई और पढ़ी गई है, वो आते हैं हमारे इतिहास काल में। तो ये कुल कंडीशन है हमारे पाषाण काल का। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि भविष्य में और भी वीडियो देखा जाए, तो आप इस चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज यार ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। हो सके तो अपने चैनल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने अदर दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।